गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम हियर विद अ न्यू वीडियो। आज मैं आपके लिए लाया हूँ न्यू इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो आपके काम आएंगे। कई दिन बाद मैं हाजिर हुआ, इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। आज हम जिन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कहूँगा कि आप अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं, नए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या मेरिट लिस्ट तैयार है, इज द मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड। दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, आरआईई भोपाल से क्या समाचार है, व्हाट न्यूज फ्रॉम आरआईई भोपाल। फिर हम चर्चा करेंगे कि आरआईई अजमेर मेरिट लिस्ट कब जारी करेगा, इसके बारे में बात करेंगे, व्हेन विल आरआईई अजमेर रिलीज मेरिट लिस्ट। उसके बाद हम चर्चा करेंगे आरआईई भुवनेश्वर, मैसूर, इनकी खबर के बारे में बात करेंगे, नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे और प्रारंभ की बात करेंगे और अंत में बात करेंगे व्हाट अबाउट कट ऑफ। तो चलिए सिलसिलेवार बात करते हैं, तो आप तैयार हो जाइए। तो फ्रेंड्स, जो सबसे मुख्य सवाल है, मेन क्वेश्चन है, वो ये है कि क्या मेरिट लिस्ट तैयार है। तो फ्रेंड्स, खुशखबरी यह है कि हां, यस, मेरिट लिस्ट इज रेडी, मेरिट लिस्ट तैयार है और भोपाल से बनकर संबंधित आरआईई को, रिलेटेड आरआईई को भेज दी गई है। मेरिट लिस्ट तैयार है और संबंधित आरआईई को भेज दी गई है, यह मैंने आरआईई भोपाल से ही मालूम किया है, ऑथेंटिक न्यूज है। अब आप कहेंगे कि जब आरआईई से जो मेरिट लिस्ट भेज दी गई है तो वहां से जारी क्यों नहीं हुई, तो दोस्तों उसके बारे में मैं बता देता हूं कि जब मैंने आरआई अजमेर से बात की कि भाई वहां से तो मेरिट लिस्ट आ गई है तो आपने क्यों नहीं दी, तो ये तो आपको पता ही है कि सब आरआई अपनी अपनी मेरिट लिस्ट भेजेंगे, सबकी अपनी अपनी मेरिट लिस्ट बनेगी। कोई जैसे आरआई अजमेर से मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि हमारी जो मेरिट लिस्ट है वो गुरुवार या शुक्रवार तक आएगी, यानी नेक्स्ट फ्राइडे लास्ट, यानी थर्सडे को भी आ सकती है और फ्राइडे को भी आ सकती है। तो ये उन्होंने बताया। इसका मतलब क्या है कि जो भोपाल से जो मेरिट लिस्ट गई है उसको वो तैयार करेंगे, यानी एक हफ्ता बताया है उन्होंने। ठीक है, अब भोपाल का क्या है तो मैं आपको बता देता हूं कि भोपाल की जो मेरिट लिस्ट है, भोपाल में जो एडमिशन लेने वाले हैं, जो संबंधित स्टेट्स के हैं, जैसे महाराष्ट्र के हैं, गुजरात के हैं, तो भोपाल में एडमिशन लेने वाले हैं, एमपी के हैं, तो उनके मेरिट लिस्ट सोमवार तक, यानी मंडे को, 3 दिन बाद मेरिट लिस्ट आने की पूरी पूरी संभावना है। मंगलवार को, या अगर सोमवार को नहीं आए तो मंगलवार को आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं डेट बताऊँ तो आपको, ये 12 या 13 तारीख को आ जाएगी, इसी 12-13 को। अब मैं आरआईई भुवनेश्वर और मैसूर की बात करूंगा, तो वहां से अभी तक मुझे कोई खबर नहीं मिली है, लेकिन उम्मीद यही है कि ये मैंने बात करने की कोशिश की लेकिन फोन मिल नहीं रहा है, कोई उठा नहीं रहे हैं, कई बार, यानी कई बार बिजी बता रहे हैं, तो मैं ये खबर मिलते ही आपको दे दूंगा। लेकिन पूरी उम्मीद है कि उनका रिजल्ट भी थर्सडे या फ्राइडे तक आ जाएगा, यानी 14, 15, 16 तक सारी आरआईई की लिस्ट आ जाएगी। अब वो जो आरआई शिलोंग है उसकी भी आ जाएगी। ठीक है, तो अब मैं दोबारा रिपीट करता हूं कोई बात कि सबसे पहले रिजल्ट आने की संभावना है आरआईई भोपाल, आरआईई भोपाल से रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। सबसे पहले पिछली बार अजमेर से आया था लेकिन इस बार भोपाल से आने की संभावना है, और फिर बाकी जो आरआई है आगे पीछे 1-2 दिन में सबका आ जाएगा। अब बताओ अलग अलग क्यों आएगी, मैं बता देता हूं। आरआई भोपाल से क्योंकि सीईई आयोजित वही कर रहे थे तो वहां से कॉमन मेरिट लिस्ट बनेगी, वो वहां से जो लिस्ट आएगी संबंधित स्टेट की, जो स्टेट्स की आएगी, तो वो वहां से कैटेगरी देखेंगे, स्टेट देखेंगे, उनका कोर्स देखेंगे, उनके मार्क्स देखेंगे, उसी हिसाब से मेरिट लिस्ट वो तैयार करेंगे। तो जैसे राजस्थान की वो अलग तैयार करेंगे संबंधित मेरिट लिस्ट से ही, फिर हरियाणा की करेंगे, यूपी की करेंगे,
ठीक है ना, इस तरीके से वो सभी सभी स्टेट्स की मेरिट लिस्ट बनाएंगे। जैसे भोपाल ने तो बना के भेज दी, अब वो चूंकि अजमेर आ गई है तो अजमेर वाले वो जो संबंधित 8-9 स्टेट हैं उनकी मेरिट लिस्ट तैयार करेंगे और उनको जो मेरिट लिस्ट है वो डाल देंगे कि भाई एससी में इतने राजस्थान से आएंगे, एसटी में इतने आएंगे, जनरल के इतने आएंगे, यूपी में इस तरीके से ये आएंगे, इनके इतनी, इन सबकी मेरिट अलग अलग रहने की संभावना है। ऐसे ही जो प्रारंभ की है तो आपको तो पता ही है, प्रारंभ में जो जिन्होंने अप्लाई किया है तो प्रारंभ में अप्लाई करने का कोई अलग से फीस तो लगती नहीं है। तो प्रारंभ में जो अप्लाई किया है तो वो 18 स्टेट से उनमें उसमें एडमिशन लिया जाता है और आरक्षण उसमें जो रिजर्वेशन है पॉलिसी है वो हरियाणा सरकार के अनुसार है, अकॉर्डिंग टू हरियाणा गवर्नमेंट। तो उसमें बी ए बी एड की ये 30 हैं और बी एस सी बी एड के 70 सीट हैं, तो ये हरियाणा वासियों को ज़्यादा लाभ मिलेगा इसमें। और वहाँ की भी ये कट ऑफ है वो इसके साथ साथ ही जारी हो जाएगी, जब सबकी ये लिस्ट आ जाएगी तो उसकी भी प्रारंभ की भी लिस्ट आ जाएगी। और जो भी मेरे को नई खबर मिलेगी मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। मेरिट अब की बार जो लास्ट में कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ अब की बार ज़्यादा रहने की संभावना है, क्यों? आरआईई सीईई यानी सीईई हुई नहीं है, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम नहीं हुआ है, इसलिए वो जो आपने क्वालिफिकेशन मार्क्स भरे हैं उसके आधार पर ये एडमिशन ले रहे हैं, इसलिए मेरिट ऊंची जाएगी, ये है। लेकिन आप तैयार रहिए, कोई भरोसा नहीं है क्योंकि ऊंची मेरिट वाले कहीं इधर उधर दूसरी जगह पर एडमिशन ले सकते हैं, आप उम्मीद कर सकते हैं, चिंता मत करो। आप तो मैं और भी नई जानकारी, प्रामाणिक जानकारी, ऑथेंटिक जानकारी लेकर के आपके सामने पुनः उपस्थित होता हूं, तब तक आप मेरे साथ जुड़े रहिए। और कई दिनों तक मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया कोई वजह से, उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। एक बार मैं आपको सीट का बंटवारा फिर से बता देता हूं, ये मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था, आरआई शिलोंग में बीए बीएड और बीएससी बीएड के लिए कोई सीट नहीं है, बायो के लिए, मैथ्स के लिए। अजमेर में 50 सीट बीए बीएड के लिए, 50 बीए बीएड पीसीएम के लिए और सीबीजेड अर्थात पीसीबी के लिए 50 सीट है, इस तरह 150 सीट है। भोपाल में 40 40 40 है, इसी तरीके से 120 है। भुवनेश्वर में 50 50 50, भुवनेश्वर और अजमेर की सीटें समान है, इस तरीके से 150 सीटें हैं। और मैसूर की और भोपाल की सीटें 40 40 40 120 120 40 40 40 टोटल 120 50 50 50 150। और प्रारंभ में 30 सीट बीए बीएड की है और 70 हैं वो बीएससी बीएड की हैं छत्तर में। तो आपको मैं पुनः अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं कि ईश्वर करे आपका सिलेक्शन हो जाए और आप खुशियां मनाएं। और लेकिन उससे पहले मैं आपको एक वीडियो और दूंगा, और कोई जानकारी होगी मैं आपके सामने शेयर करता रहूंगा। और अगर आप अभी भी मेरे चैनल पर नहीं आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं आपके सामने फिर से हाजिर होता हूं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।